हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है आड़ा मिक्कू जोहारलो। जोहार इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सेल्यूटेशन टू यू लेडीज तो ये एक की इंडियन तेलुगू लैंग्वेज फिल्म है तो इस फिल्म का तेलुगु, हिंदी ये जो सभी वर्जन है वो कैसे कहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वहीं पे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आड़ा वालू मीकू जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुक्री के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना का उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो आदिया की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पर चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बुची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरु के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु इतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन ने आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ जो है ने किया हुआ। जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रसन्न का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोद दिन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नजर आती है सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं आर सी एम राजू भी एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लो मिक्कू लो यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशोत्ती तिरुमाला ने कहा कि वो जो स्टोरी है आधा वल्लो मिक्कू लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकीसाह से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मि मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट की गई थी मेजोरिटी पोर्सन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदा वलो मीकू जोहार लो यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी दो हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पांच गानों की लें थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिर है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेंट टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मि रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरद कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मीठी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहते क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाली या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नजर आएगी क्योंकि आधू अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नजर नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो रोल्स है जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता एक फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नजर आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पासिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ़ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते कि कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा बल्लो मिको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालो मिकु जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन्स के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओ टी टी राइट्स है आई एम डी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में आडा वालू मिकू जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल मलयालम कन्नाडा डव वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे हैं कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों को जो हार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लि ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे अड़ा वालू मीकू जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर राज सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना का उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आदिया की माँ का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ है जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासुकी वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोद प्रमोदीन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लु मीकू जवाहरलो यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशोत्ती तिरुमाला ने कहा कि वो जो स्टोरी है आदा वल्लु मीकू जवाहरलो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जा ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहां पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहां पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट की गई थी मेजॉरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोज़र के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदा वलू मीको जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्रीमणि ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूजिक के द्वारा चौदह फरवरी 2022 हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लें थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके कॉमेड टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसका दिया गया था उसमें रश्मि का मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरत कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नज़र आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है उस उनके खुद के पास्ट के रीजन्स के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफ्रेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंदा रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नज़र आएगी क्योंकि आधो अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट तो जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीज़ों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता एक फोर्सफुल एड किया हुआ ऐजा नजर आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पासिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा वल्लो मिको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आडा वालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी ली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगू वर्जन में आडा वालू मिकू जोहारलू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलगू के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे हैं कि सिर्फ सैटेलाइट राइट्स ही अगर ओ राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों जो जोहार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब डब में भी अगर आपको ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे अड़ा वालू मीको जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ स्त्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए हैं फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आदिया की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पर चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नज़र आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ, हुआ जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बेनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यतुरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोदी ने इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लु मिक्कू लो यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में सत्रह में ने कहा कि वो जो स्टोरी है आधा वल्लु मिक्कू लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकीसाह से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मि का मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट की गई थी मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवलू मीकू जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्रीमणि ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माई आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूजिक के द्वारा 14 फरवरी 2022 को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 19 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पर तेईस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्री ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको फो, बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन जा, जा, को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसेस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके कॉमेड टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसका दिया गया था उसमें रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पे उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका सरत कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिटी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्सन था इमोशंस थे वो अच्छे नज़र आएंगे इस फिल्म में डेफिनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का है, एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नज़र आएगी क्योंकि आधो अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ ख़ास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रिडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें है वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नजर आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ़ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा वल्लो मीको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रे नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन्स के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज़ बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, आ, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए हैं फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलगू वर्जन में आडा वालू मिकू जोहालू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देख सकते हो जहाँ पे तेलगू के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ टी टी राइट्स भी बेचे हैं कि सिर्फ सैटेलाइट राइट्स ही अगर ओ टी टी राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मी जोहार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लिव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में अभी अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे वालों लो को जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है स्त्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकाल प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स है वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आद्या खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो आद्या की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गौरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हुई नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पर वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो चिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया जो प्ले है जो एक मैनेजर का रोल था जहाँ से इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती है नज़र आते है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया जो वासुकी वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरु के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु इतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोदी ने इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है सुदर्शन इस फिल्म ट्व में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिक्कू जोहार्लू यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशो तिरुमाला ने कहा कि आ, वो जो स्टोरी है आदा वल्लो मीकू जवार लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस सर से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते नज़र आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रिजन के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहां पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट की गई थी मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवलू मीकू जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय अध्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी दो हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो हज़ार बाईस को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लेंथी थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक ज्वाइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इस को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेंट टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसका दिया गया था उसमें रश्मि का मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पे उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नज़र आती है राधिका शरत कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाली या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ़ बेक नज़र आएगी क्योंकि आधू अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ ख़ास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रिडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा व्लो मिको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावलो मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन्स के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज़ बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन 877 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में आडा वालू मिको जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स देख सकते हो जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डब वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फ़िल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मी को जो लो फिल्म का तेलगू वर्जन आप सोनी लो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में अभी अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली उफ प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे आड़ा वालो मीकू जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का वंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइज में ख़रीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चीरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आद्या खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो आद्या की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम्मा का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गौरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हुई नज़र आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नज़र आएंगी बुची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पर वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो चिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ जो एक मैनेजर का रोल था जहाँ से इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती है नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासुकी वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बेनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु इतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था, था वहीं पर प्रमोदीन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिक्कू जोहरलू यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में सत्रह में ने कहा कि आ, वो जो स्टोरी है आधा लो मी को लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमा फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलाब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मि मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे बेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट की गई थी मेजोरिटी पोर्सन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदा वलो मीकू जोहार लो यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी दो को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लेंथी थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक ज्वाइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नज़र आता है वो किस तरह से इस सिचुएसन को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेंट टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसका दिया गया था उसमें रश्मि रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरद कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की मां के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाली या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेक्ड नजर आएगी क्योंकि आधू अधूरी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ़ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीज़ों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो रोल्स है जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते कि कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा बल्लो मिको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कम्प्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को आठ करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफ़ोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में आडा वालू मिकू जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल मलयालम कन्नड़ा डब वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सेटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे हैं कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ तो राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों में को जो हार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लिव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए हो देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली उफ प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे आड़ा वालो मीको जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ स्त्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स है वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आदिया की माँ का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया है जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है शांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बुची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोद दिन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लो मिक्कू लो यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजन्स के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशोत्ती तिरुमाला ने कहा कि वो जो स्टोरी है आदा वल्लो मिक्कू लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस सर से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीजन के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहां पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहां पे सर्वानंद पहला कोलाब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट uh, किए गए थे मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदा वलू मीकू जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी दो हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल मंगलयम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लेंथी थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन सी, को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेंट टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नज़र आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरद कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिठी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहते क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाली या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेक्ड नजर आएगी क्योंकि आधू अधी नज़र आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ खास नज़र नहीं आता फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नजर आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया हुआ फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पासिबल काम किया हुआ फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ़ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते कि कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आडा बल्लो मीको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल जाएगी स्टोरी रे नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा वालो मिकु मिकू लो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओ टी टी राइट्स है आई एम डी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन 877 वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलगु वर्जन में आडा वालू मिकू जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डव वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फ़िल्म के जो हिंदी राइट्स है वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे है कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ तो राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों में को जोहार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लि ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे अड़ा वालो मी को जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए हैं फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आदिया की माँ का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ है जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है सांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करते हुए नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था, था वहीं पर प्रमोदीन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक, एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिक्कू जोहरलू यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किसोत्ती तिरुमाला ने कहा कि आ, वो जो स्टोरी है आधा वल्लो मी को जवाहरलो फ़िल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहां पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहां पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट किए गए थे मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवलू मिकू जोहरलो यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्रीमणि ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पर रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूजिक के द्वारा चौदह फरवरी दो हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल यम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पांच गानों की लें थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लौता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन जा, जा, को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसेस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके कॉमेड टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मि रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरद कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नज़र आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहते हैं क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का है एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वान ना रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नजर नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नजर आएगी क्योंकि आधो अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोइल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता एक फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पासिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नजर नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते कि कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा वल्लो मीको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आडा वालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सोनी लिव के पास ओ टी टी राइट्स है आई एम डी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ सौ सतहत्तर वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी ली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलगू वर्जन में आडा वालू मिको जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलगू के अलावा तमिल मलयालम कन्नाडा डब्ड वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ टी टी राइट्स भी बेचे है कि सिर्फ सैटेलाइट राइट्स ही अगर ओ तो टी टी राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मी जोहार लो फिल्म का तेलुगु वर्न आप सोनी लि ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे अड़ा वालू मीको जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर राज सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना का उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आद्या खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आद्या की माँ का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की माँ का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पे चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करते हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है शांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोद प्रमोदीन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिक्कू जोहारलू यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशोती तिरुमाला ने कहा कि आ, वो जो स्टोरी है आदा वल्लो मी को जवाहर लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस सर से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जा ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट uh, की गई थी मेजोरिटी पोर्सन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के uh, तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवलू मिको जोहर लू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री श्रीमणि ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूजिक के द्वारा चौदह फरवरी दो को ओसम तो, गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो ची को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या है वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन जा, जा, को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके कॉमेड टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मिका मंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरत कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नज़र आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहते हैं क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नज़र आएगी क्योंकि आधू अधूरी नज़र आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थी जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीज़ों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ ख़ास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें है वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है फोर्सफुल एड किया हुआ ऐसा नजर आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा व्लो मिको जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज़ बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों वा ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी ली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलगू वर्जन में आडा वालू मिको जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देख सकते हो जहाँ पर के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डव वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइड्स सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ टी टी राइट्स भी बेचे है कि सिर्फ सैटेलाइट राइट्स ही अगर ओ तो टी टी राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मीकू जोहार लो फिल्म का तेलुगु वर्जन आप सोनी लिव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे अड़ा वालू मीकू जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज़ है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना का उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुल का रोल प्ले करती हूँ नजर आएगी जो आदिया की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पर चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है शांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो तिरु के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है जो वाकुल्ला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया हुआ जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बेनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु यूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे रुचिता साधिनेैनी ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा, तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रशांत का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पर प्रमोदीन इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिकू जोहार्लू यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किशो तिरुमाला ने कहा कि आ, वो जो स्टोरी है आदा वल लो मीकू जवाहर लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकिस साह से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के लिए जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में आ, इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रिजन्स के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मिका मंदना को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे वेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट uh, की गई थी मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के uh, तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवलू मीकू जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज़ करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माई आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी 2022 हज़ार बाईस को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लें थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेती इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नजर आती है जहाँ पे आ, कि कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चिरु है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नजर आता है वो किस तरह से इन को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी कॉमेंट टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नज़र आते हैं रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मिका मंदना बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नज़र आती है राधिका शरत कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास्ट के रीजंस के चलते वो, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफ्रेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ़ बेकड नजर आएगी क्योंकि आधू अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेसिस के साथ वो कर सकते थे प्रिडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकेंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नज़र आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा वल्लो जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रे नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालू मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की तेलुगु रिलीज है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय भी रिलीज़ हुई थी उसके रीजन्स के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज़ बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन 877 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में आडा वालू मिकू जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स देख सकते हो जहाँ पे तेलगू के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डब वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फ़िल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये है कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मी जो हार लो फिल्म का तेलुगू वर्जन आप सोनी लि ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में अभी अगर आपको ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे आड़ा वालो को जोहार लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी बताया कि सेल्यूटेशन टू यू लेडीज है जो एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें तिरुमाला किशोर ने की हुई है इसके अलावा इस फिल्म को सुधाकर चेरुकुरी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनके ही द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया गया था लीड कास्ट में आपको सर्वानंद रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी सुजीत सारंग ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने दो घंटे इक्कीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट से वो लहरी म्यूजिक वालों ने एक डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सर्वानंद लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने चिरंजीवी यानी कि चिरू का रोल प्ले किया हुआ है रश्मिका मंदना को उनके अपोजिट कास्ट किया हुआ है जिनका किरदार का नाम है आदिया खुशबू सुंदर इस फिल्म में वाकुलू का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो आदिया की मां का रोल था राधिका शरद कुमार ने इस फिल्म में चिरू की मां का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि आदि लक्ष्मी का इसके अलावा उर्वशी ने इस फिल्म में पदम माँ का रोल प्ले किया हुआ जो चिरू की आंट का रोल है वहीं पर चिरू की दूसरी आंटी है जिसका नाम है गोरम्मा वो रोल राजश्री नेर प्ले करती हूँ नजर आएगी चिरू की दो आंटी और दिखाई गई है इसका एक का नाम है सरदम्मा दूसरे का नाम है शांतम्मा वो रोल कल्याणी नटराजन और सत्या कृष्णन प्ले करती हुई नजर आएंगी बूची के रोल में आपको ब्रह्मानंद देखने को मिलेंगे वहीं पे वेनेला किशोर ने फानी का रोल प्ले किया हुआ है जो चिरू के फ्रेंड का रोल था इसके अलावा सत्या ने इस फिल्म में प्रेम का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मैनेजर का रोल था झांसी इस फिल्म में सरिता का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वाकुला की फ्रेंड का रोल था रजिता ने मेड का रोल प्ले किया जो वासु की वाइफ का रोल था इसके अलावा रविशंकर इस फिल्म में साई कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो प्रशांत के फादर का रोल था बैनर्जी ने इस फिल्म में चिरू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चिरू के अंकल्स के रोल में आपको गोपाल राजू रमणा और वासु इतूरी देखने को मिलेंगे प्रदीप रावत ने इस फिल्म में वासु का रोल प्ले किया है जो एक एम्प्लॉई है सूर्या श्रीनिवासन आपको इस फिल्म में विजय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रुचिता ने इस फिल्म में प्रवलिका का रोल प्ले किया हुआ है जो सरिता की बेटी का रोल है रवि तेजा महादस्यम ने इस फिल्म में प्रसन्न का रोल प्ले किया हुआ है जो प्रवलिका का हस्बैंड का रोल था वहीं पे प्रमोदीनी इस फिल्म में प्रशांत की मां का रोल प्ले करते हुए नजर आती है सुदर्शन इस फिल्म में टोमेटो सेलर का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं आर सी एम राजू भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 में डायरेक्टर किशोर तिरुमाला वेंकटेश्वर नित्या मेनन के साथ एक रोमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था आदू वल्लू मिक्कू लो यानी कि यही फिल्म थी लेकिन किसी रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद में एक इंटरव्यू के दौरान 2017 में सत्रह में किसोत्ती ने कहा कि वो जो स्टोरी है आधा वल्लु मिक्कू लो फिल्म की उसको एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिसके चलते उन्होंने वेंकीसाह से थोड़ा टाइम मांगा हुआ है तो एक कन्विंसिंग स्क्रिप्ट तैयार कर पाए और उसके बाद में वो इस फिल्म को फ्लोर पे उतारना चाहते यानी कि शूटिंग के ले जाए ले जाना चाहते इसी रीज़न के चलते वेंकटेश और ये किशोर तिरुमाला के बीच में ये बात के ऊपर समझौता हुआ उसके बाद में किशोर तिरुमाला फिर से इसका एक डिफरेंट वर्जन लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे बेसिक प्रीमाइज़ था वो रिटेन रखा यानी कि सेम ही था स्टोरी लाइन जो बेसिक थी वो सेम थी अदरवाइज सभी चीज़ों को चेंज किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली थी डायरेक्ट 2020 में पता चला था कि इस फिल्म में अब सर्वानंद रिप्लेस करने वाले वेंकटेश को जहाँ पे फिल्म को 2020 में अनाउंसमेंट के साथ रिवाइव किया 25 अक्टूबर 2020 को एक लॉन्च सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे सर्वानंद पहला कोलोब्रेशन करते हुए नजर आए किशोर तिरुमाला के साथ जहाँ पे इस फिल्म में इस फिल्म में नित्या मेनन या साय पल्लवी को फीमेल लीड के लिए कंसीडर करवाया जा रहा था लेकिन कुछ रिजन के चलते वो सभी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई उसके बाद में रश्मि का को अप्रोच किया गया था उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उनको बाद में फाइनलाइज किया गया वहीं पे बेटर एंड एक्ट्रेसिस जैसे कि राधिका शरद कुमार को खुशबू सुंदर उर्वशी को इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्शन को अगस्त 2021 में ज्वाइन किया हुआ था इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और 20 जुलाई 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म की शूटिंग राजमंडरी में शूट किए गए थे मेजोरिटी पोर्शन वहीं पे फिल्म का शूट हुआ था लेटर ऑन इस फिल्म को फरवरी 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा के तैयार किया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स लहरी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे ऑडियो राइट्स वहीं पर किशोर तिरुमाला ने इस फिल्म के लिए देवी प्रसाद को म्यूजिक कंपोजर के लिए चूज़ किया हुआ था वैसे उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया हुआ है इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था इस ट्रैक की लेंथ थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना आदवल लो मीकू जोहरलू यानी कि टाइटल ट्रैक जिसको श्री मनी ने लिखा था देवी श्री प्रसाद ने गाया था इसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 4 फरवरी 2022 को रिलीज करवाया गया था लहरी म्यूजिक के द्वारा ओ माय आद्या गाने को लिखा हुआ था श्री मनी ने याजिन निसार ने गाया हुआ था इसको सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ करवाया था लहरी म्यूज़िक के द्वारा चौदह फरवरी दो को ओसम गाने को श्री मनी के द्वारा लिखवाया गया था सागर ने उसको गाया हुआ था इस गाने को उन्नीस फरवरी दो को लहरी म्यूज़िक के द्वारा थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था मंगल एम करके जो गाना है उसको देवी श्री प्रसाद ने लिखा हुआ था जसप्रीत जैस ने उसको गाया हुआ था जिसको फोर्थ सिंगल के तौर पे 23 फरवरी 2022 को लहरी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया उसके बाद में इस फिल्म का पूरा एल्बम है उसमें एक गाना और एड किया गया कला का कला का जिसको श्रीमणि ने लिखा था महालिंगम ने उसको गाया हुआ था इन पाँच गानों की लें थी सोलह मिनट छत्तीस सेकंड इन सभी गानों को एक साथ में बाद में लहरी म्यूजिक वालों ने आठ मार्च को दो को ऑफिशियली इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म में चिरू यानी कि चिरंजीवी सर्वानंद वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो एक ज्वाइंट फैमिली में बॉर्न एंड ब्रोटअप हुए बड़े वहीं हुए जॉइंट फैमिली के बीच में जहाँ पे एक ही वो ऐसा ओनली मेल चाइल्ड है उस फैमिली में बाकी एक अकेला लोता बच्चा है जहाँ पे वो सभी लोगों की तरफ से एक अच्छा खासा पेम्पर किया गया है तो चीरू को एक अच्छे खासे माहौल में बड़ा किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार रखा हुआ था जहाँ पे उसको एक आद्या नाम की लड़की से उसके बाद में प्यार हो जाता है आद्या का रोल प्ले करे रश्मिका मंदना और उसके बाद में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती जब प्यार होता है उसके बाद में उसे पता चलता है कि आद्या वो अपने माँ को पूरी तरह से फॉलो करती है उसका रोल प्ले करे खुशबू सुंदर तो ब्लाइंडली उसकी माँ को फॉलो करती हुई नज़र आती है जहाँ पे आ, कॉन्सेप्ट जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको बिलीव ना करने के लिए फोर्सफुली कुछ दिमाग में डालती है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो चीरू है उसका प्यार उससे दूर जाता हुआ नज़र आता है वो किस तरह से इस को हैंडल करे हुआ आद्या की माँ को कैसे कन्विंस करता है क्या वो उन सभी को इम्प्रेस कर पाएगा वही सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सर्वानंद ने जिस तरह से अपने इस फन रोल को प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था उनका जो प्रेजेंस था स्क्रीन प्रेजेंस वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इस फिल्म में काफ़ी सारी नोटेड एक्ट्रेसिस देखने को मिलती है उनके बीच में सर्वानंद ने जिस तरह से अपना प्रेजेंस हमें महसूस करवाया उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके कॉमेड टाइमिंग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था वेनेला किशोर इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ काफी बढ़िया तरीके से हंसाते हुए नजर आते रश्मिका मंदना को लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने को दिया गया था वैसे उस किरदार को फिल्म में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ था लेकिन जितना भी जो का काम उसको दिया गया था उसमें रश्मि का बंधन बढ़िया नज़र आ रही थी खास करके क्लाइमेक्स पोर्सन में एंड के टाइम पर उनका रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से निखार दिया हुआ था तो वो उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलते काफ़ी सारे देखने को मिलते और वो सभी अपने रोल के साथ बढ़िया थे उर्वशी को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने इस रोल के साथ वो एक अच्छी परफॉर्मेंस इमोट्स करती हुई नजर आती है राधिका शरद कुमार और दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ एक अच्छा काम करते हुए नजर आते खुशबू सुंदर को एक मिट्टी रोल मिला हुआ था रश्मिका की माँ के रूप में तो वो रोल उन्होंने बढ़िया तरीके से डिलीवर किया हुआ है रोमांटिक ट्रैक था जो सर्वानंद और रश्मिका के बीच में वो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करता है अच्छे मोमेंट्स देने के लिए कोशिश करता है जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स थे वो भी हंसाने में कामयाब रहे थे क्लाइमेक्स का जो इमोशनल वाला पोर्शन था इमोशंस थे वो अच्छे नजर आएंगे इस फिल्म में डेफ़िनेटली आपको कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा स्टोरी लाइन वही प्रिडिक्टेबल है पुरानी है एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है उनके फैमिली वाले या उनकी माँ है, उस उनके खुद के पास के रीजंस के चलते वो, वो, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने सॉरी इन सभी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करती है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में की रोल के लिए कुछ अच्छे खासे नामी एक्टर्स को लिया हुआ है अदरवाइज स्टोरी लाइन सेम ही है इस फिल्म में सर्वानंद रश्मिका के बीच में जिस तरह से केमिस्ट्री डेवलप की गई है वो थ्रू आउट द फिल्म उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है वीक नज़र आता है लव स्टोरी हाफ बेकड नज़र आएगी क्योंकि आधो अधी नजर आएगी जिस तरह से चीज़ों को एलिवेट किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में उतने कुछ खास तरीके से इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट थे जिस तरह से इस फिल्म स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादातर लेडीसों का तो उसके साथ में डायरेक्टर कुछ इतना कुछ खास अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से उन लेडीज़ के साथ उन एक्ट्रेस के साथ वो कर सकते थे प्रडिक्टेबल सीन्स थे और नोवेल्टी नज़र नहीं आएगी तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं वो उतने कुछ खास इमोशनली हेल्प नहीं करती है खुशबू सुंदर और रश्मिका के जो परफॉर्मेंसेस है जो का रोल से जो इमोशंस उसमें डेवलप करने की डायरेक्टर ने कोशिश किए हुए वो उतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डीएसपी ने अच्छा काम किया है फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए गए डायलॉग्स अच्छे हैं फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है बैकग्राउंड स्कोर था वो एक तरीके से रूटिंग माना जाएगा लेकिन एडिटिंग थी वो अच्छी थी फिल्म की कैमरा और फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी कुल मिला के बात करें तो डायरेक्टर किशोर तिरुमाला ने एक पॉसिबल काम किया हुआ है फिल्म के साथ उनके पास जो स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी उसको उन्होंने फर्स्ट हाफ में फ़न मैनर के साथ नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से चीज़ों को कैरेक्टर के हिसाब से एलिवेट करते हुए नज़र नहीं आते पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते की कैरेक्टर थे जैसे कि रश्मिका का और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हुए उसको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ था और कुछ की एस्पेक्ट थे जो फैमिली ड्रामा था वो इस सब इस सब में मिसिंग नजर आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती है कुल मिला के बात करें तो आड़ा वो लो जो हार लो जिसको हिंदी में घर लक्ष्मी ना घर की लक्ष्मी नाम दिया हुआ है एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें कुछ अच्छे डिसेंट मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे सर्वानंद की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएगी स्टोरी रल नेरेशन पुराना है कॉमेडी सॉन्ग्स और कुछ इमोशनल सीन्स है जिसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आपको देखना है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख सकते हो इस फिल्म को आड़ा आडावालो मिकू जवाहरलो फिल्म को थिएट्रिकली तेलुगु वर्ज़न में पहले रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के तेलुगु रिलीज़ है वो चार मार्च 2022 को करवाई गई थी इससे पहले ये फिल्म तेलुगु वर्ज़न में 25 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन भीमला नायक उस समय रिलीज़ हुई थी उसके रीजन्स के चलते इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया था चार मार्च को जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोड़ साठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन एक करोड़ नब्बे लाख का आया था ओपनिंग वीकेंड था वो पाँच करोड़ सड़सठ लाख का रहा था डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन इस फिल्म का और इस फिल्म ने सात करोड़ बहत्तर लाख में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वैसे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ में बेचा हुआ था प्री रिलीज बिजनेस इतना था जिसके चलते इस फिल्म को 8 करोड़ का घाटा हुआ था इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन ओटीटी पे प्रीमियर करवाया तो वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला सोनी लिव के पास ओटीटी राइट्स है आईएमडी पे अभी तक इस फिल्म को करीबन करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डबिंग घर की लक्ष्मी नाम के साथ करवाई हुई है उन्होंने इस फिल्म को सेंसर भी करवाया हुआ है जहाँ पे सचिन गोले ने इस फिल्म में सर्वानंद को वॉइस ओवर दिया हुआ है जहाँ पे सोनी आ, न, सोनी मैक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो सोनी लिव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में आडा वालू मिको जोहारू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे तेलुगु के अलावा तमिल मलयालम कन्नडा डव वर्जन भी अवेलेबल किया हुआ है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है इसका मतलब ये फिल्म आपको घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वैसे इस फ़िल्म के जो हिंदी राइट्स थे वो बिफोर यू मूवीज़ के पास अब देखने वाली बात ये कि सोनी को उन्होंने ओ राइट्स भी बेचे है कि सिर्फ सेटेलाइट राइट्स से ही अगर ओ राइट्स उन्होंने अपने पास भी रखे हुए तो हो सकता है आने वाले समय में बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को घर की लक्ष्मी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आड़ा वालों मी को जो लो फिल्म तेलगु वर्जन आप सोनी लो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को हिंदी डब में डब में भी अगर आपको ऑफिशियलीजॉय करना है तो घर की लक्ष्मी नाम के साथ सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाए बिफोर यू मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे फिल्म हिंदी डब में घर की लक्ष्मी के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो सकती है तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जा सकता है तो इस तरह से आप घर की लक्ष्मी फिल्म ऑफिशियली देख पाओगे तो बस गाइस इस आडा आडा वालो को जवाहर लो यानी कि घर की लक्ष्मी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए तो फिल्म से जुड़े हुए सभी जात के मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू